शांति। हर सुबह हमारे लिए एक कोरा कागज लेकर आती है जिसे अवसर कहते हैं। हम जिस ढंग से चाहें उसे भर सकते हैं। समय का चक्र कुछ इस तरह चलता है कि हर नया क्षण मिलने से पहले पुराना क्षण वापस ले लिया जाता है। कोई कितना भी झूठा या कपटी हो आपके साथ, आप तब भी सच्चे बने रहिए, क्योंकि किसी बीमार को देखकर स्वयं को बीमार कर लेना यह समझदारी नहीं मूर्खता है। हम माने या न माने, हमारे जीवन की हर नकारात्मक परिस्थिति के दोषी हम स्वयं हैं। इसलिए दूसरों को दोषी ठहराने से पहले हम यह निश्चित करें कि हमारा कौन सा संस्कार इसके लिए दोषी है। वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने फल व पत्ते खो दिए। वह सदैव नए फूल व पत्तियों के सृजन में व्यस्त रहता है। उसी प्रकार हमने अपने जीवन में कितना कुछ खो दिया। इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इसी में जीवन की सार्थकता है। दर्द एक संकेत है कि आप जीवन हैं। समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत हैं। प्रार्थना एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं। कोई को दोष दे कि समस्या इसकी वजह से है, ये भी समय की बर्बादी है। इससे तो अच्छा है अपनी साधना को बढ़ाकर समस्याओं को खत्म करें। हम जो कमाते हैं उससे हमारा गुजारा होता है, लेकिन हम जो दान देते हैं उससे हमारा जीवन खुशनुमा बनता है। हम जो दे रहे हैं उसके प्रति सजग रहे, क्योंकि दान देने से हम अपना भविष्य बना रहे हैं। कर्म का नियम हमेशा काम करता है, जो दोगे सो पाओगे। हमारी अपनी सोच ही हमारे मन को परेशानियों से घेरे रखती है। जब हम अपनी सोच के दायरे में अच्छाई लगेंगे तो दुख हमें दुखदायी नहीं लगेंगे। भगवान कहते हैं, यदि मुझ पर दृढ़ विश्वास रखोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। जो दूसरों को गिराता है वह उससे कई गुना गिर जाता है, पर उसे शायद इस बात का एहसास नहीं और उसके आंतरिक सुख शांति का घटना ही वास्तविक गिरावट है। इसलिए यदि किसी की सफलता का हिस्सा नहीं बन सकते तो विफलता का तो कभी मत बनिए। गुणों के सहारे ही व्यक्ति सफल हो पाता है, मगर विनय और विवेक साथ हो तो शिखर छू जाता है। परमात्मा सूरज की तरह सबके लिए एक समान चमका रहा है। कमी तो हम में है जो उसकी ताकत नहीं ले पाते। हमारे नकारात्मक फालतू विचार, बोल और कर्म इसमें रुकावट बनते हैं। इसलिए आज से हम परमात्मा से ताकत और प्यार पाने के लिए नकारात्मक फालतू विचार, बोल और कर्म से बचें। अपने दिन की शुरुआत हमेशा यह सोच कर करें कि अंत में हमारे साथ क्या जाएगा, पैसा, परिवार या पुण्य कर्म। इस सोच के साथ दिन की शुरुआत करने से आप बहुत सारे बुरे कर्म करने से स्वतः ही बच जाएंगे। इस पर आपका भाग्य नहीं लिखता, उसने यह कलम आपको दे रखी है और वह कलम है
संकल्प की। इसे बड़ी सावधानी से प्रयोग करो, क्योंकि इससे आप अपना भाग्य जाने अनजाने निरंतर लिख रहे हो। इसलिए सदा सावधान रहिए। आत्मा को जान लेने से मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता। यदि मैं यह समझ लूं कि मेरा असली गुण प्रेम करना है, तो मन में द्वेष आ नहीं सकता। खुशियां, इज्जत और सुकून जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। रब आपकी जिंदगी में इन तीनों में किसी एक की भी कमी ना आने दी। ओम शांति।